दोस्तों उगांडा वुमेन वर्सेस थाईलैंड वुमेन के बीच होगा आईसीसी वुमेन्स टी20 क्वालिफायर का मैच। इंटरनेशनल रैंकिंग अगर देखते हो दोनों टीम का, उगांडा वुमेन का इंटरनेशनल रैंकिंग है 18, वहीं पे दोस्तों इनका ओपोनेंट थाईलैंड का है 13, तो स्लाइटली थाईलैंड वुमेन बेटर रहेंगी। दोस्तों थाईलैंड वुमेन के कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन लेस है और या फिर वो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, उनमें से एक नाम है थिपचा पुथुआंग। रिसेंटली दोस्तों इन्होंने बैटिंग से भी वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अगर आप लास्ट मैच ऐड कर लेते हो, मतलब लास्ट मैच का सिनेरियो, लास्ट मैच में क्या हुआ था एक्चुअली में, लास्ट मैच में दोस्तों उगांडा चेस कर रहे थे यूएसए के अगेंस्ट, जहाँ पे नक्की सुई ने बड़ा इनिंग्स खेला था, पब्लिक इनको कैप्टन बना के आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो चलो मैं मान लेता हूँ ठीक है, विकेट निकाल सकती है बॉलिंग से, बट अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग होता है दोस्तों इनको ना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलना पड़ेगा। और एक दो नहीं दोस्तों, इनके पास दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लाउमी है जो मेरे डिफेंशियल पिक रहेंगी, पुथुआंग है दोस्तों, प्लस दोस्तों इनके पास एक और स्पिनर है चतुरंगना कुछ ऐसा नाम है, और अगर ऑफ स्पिनर ही बात कर लेते तो बुचाथम क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ऑफ स्पिन कम चंपू, तो इनको प्रॉपर स्पिन खेलना पड़ेगा स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग होता है तो कैप्टनसी बनाना है तो बनाओ, सेकेंड इनिंग्स में मत बनाओ। और ये दो एज अ प्लेयर डिफेंशियल लेना, स्पेशली कैप्टनसी बनाना है तो पुथुआंग और लाउमी को ट्राई करना। अब चलते हैं हम लोग डिटेल्स एनालिसिस सेक्शन में और फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे हमारा ड्रीम इलेवन टीम इस मैच में क्या होने वाला है। दोस्तों 8:30 नहीं, ये मैच ना 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है 9 बजे इंडियन टाइम स्टार्ट होगा उगांडा वर्सेस थाईलैंड वाला मैच। इनका जो टाइम है ना वो चेंज हो रहा है हर एक मैच में ऑलमोस्ट। पिच स्टैट्स टॉलरेंस ओवल अबू धाबी, यहाँ पे रन थोड़ा सा कम बनता है कंपेयर टू जायद स्टेडियम, 110 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। सीरीज में 8 मैचेस रन, 3 बैट फर्स्ट 5 बैट सेकेंड ने विन किया। दोस्तों उगांडा से आते हैं, एक मैच उगांडा ने जीता लास्ट मैच, यूएसए को हराया, पहला मैच इन्होंने हारा। थोड़ा सा टॉस का वैल्यू रहेगा, थोड़ा सा नहीं पूरा मैच का ही वैल्यू है दोस्तों, फैंटेसी के लिए पूरा मैच का वैल्यू टॉस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है 110-120 एवरेज स्कोर है, स्लाइटली लेस स्कोर बनता है कंपेयर टू जायद स्टेडियम। इधर से आपको नक्की सुई जो ओपन करते हुए दिखेंगे, लास्ट मैच में मेरा कैप्टन था, 68 रन बनाया था 4 ओवर में बॉलिंग से विकेटलेस, बट यार इंपॉर्टेंट बात है इन्होंने 4 ओवर बॉलिंग से डाला, बैटिंग से 68 का मस्ट पिक है कैप्टन, यस कैप्टन बना सकते हो, बॉल फर्स्ट मैं मानता हूँ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एस केएफबीसी कंपेयर टू बॉल सेकेंड। पी अलोको दोनों मैच में फ्लॉप, ज़रूरी नहीं है इलोको भी ज़रूरत नहीं, मुझे ना बैट्समैन एंड बॉलर एंड बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, ऑलराउंडर बॉलर एंड बॉलिंग ऑलराउंडर ये तीन प्लेयर चाहिए हमें। नंपीना अगर देखोगे 33 रन बनाया और 9 रन बनाया, देखो 33 रन जो बनाया इन्होंने अच्छा बनाया, बट स्टिल मेरा हिसाब से अभी इनको एक क्वालिटी स्पिन स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलना पड़ेगा, पिच भी टायर्ड है, मैं इनको फिलहाल नहीं लूँगा दोस्तों। आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रोटेट करके यूज़ कर सकते हो दोस्तों अपनी टीम में। जेनेट एम्बाबाजी अगर देखते हो दोस्तों बहुत ही डिसेंट चॉइस है, स्पेशली मैं मानता हूँ बॉल फर्स्ट ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ये भी 4 ओवर डालेंगे और जेनेट बैटिंग भी कर लेती है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम का, अटैक करने का कोशिश करेगा, मे बी लेग स्पिनर है तो दोस्तों इनको विकेट मिल सकता है, बढ़िया चॉइस है, मस्ट पिक है एम्बाबाजी। अभी ये लेग स्पिन थोड़ा सा मीडियम पेस जैसा बॉल डालती है। और रीता मुसा मलिक को भूल जाओ दोस्तों क्योंकि ये बॉलिंग नहीं कर रही है, फील्डिंग से वैल्यू दे सकती है, अच्छी प्लेयर है बॉलिंग कर सकती है, बट यार इस सीरीज में क्यों बॉलिंग नहीं कर रही है मुझे समझ नहीं आया। अविनो इनके विकेट कीपर है, इग्नोर करेंगे कुलमे इग्नोर करेंगे, वालाजा ने 4 ओवर डाला और इन्होंने पावर प्ले में ओवर कंप्लीट कर दिया था, तो ये आपके लिए देखो 4 ओवर डाली है, मस्ट पिक नहीं है बट 50-50 कॉल है। अवेको ये मस्ट पिक है एनी कंडीशन, स्पेशली बॉल फर्स्ट जहर पिक है, बॉल फर्स्ट रिपीट कर रहा हूँ जहर पिक है और दोनों कंडीशन में रख सकते हो, इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है। और ये जो है ना दोस्तों अवेको ये आपको बॉलिंग से भी वैल्यू दे सकती है, नॉट अ बैड चॉइस दोस्तों, कीप इट इन माइंड, ये बॉलिंग से भी आपको वैल्यू दे सॉरी बैटिंग से भी वैल्यू दे सकती है। सारा आकिटिंग बॉल फर्स्ट ले सकते हो, लेफ्ट आर्म नहीं यार राइट आर्म मीडियम, यार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स राइट आर्म मीडियम, मैं कंफ्यूज हूँ इनको लेके क्योंकि ये मैच मैं देख रहा था, अच्छी प्लेयर है ले सकते हो, एक्सपीरियंस है 39 मैच में 34 विकेट भी है दोस्तों, एज अ प्लेयर सेफ रहेंगी ले लेना, ज़्यादा रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है अपनी टीम में। और स्पेशली स्लाइटली बॉल फर्स्ट, देखो ये जो टीम है ना इनको अच्छा करने के लिए ना बॉलिंग फर्स्ट करना पड़ेगा, कीप इट इन माइंड, इनको अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉल फर्स्ट, ये ना राइट आर्म मीडियम नहीं है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है जितना मुझे याद आ रहा है। ओपनिंग बॉलिंग एकिटिंग वालाजा अवेको, जिसमें एम्बाबाजी अवेको एकिटिंग करते हुए दिखेंगे, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, बेसिकली इस टीम से ना अवेको डेथ करती है, बट इनके साथ ना जेनेट एम्बाबाजी और नक्की सुई आ जाती है, कभी कभार एकिटिंग कर लेती है डेथ में,
ये चारों डेथ में कर सकती है, बट अवेको को ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, एक आधा ओवर पीछे जरूर डालेगी दोस्तों अवेको। ये कुछ प्लेयर बेंच में बैठे हुए, इनमें से अनिपो खेलते हैं तो दोस्तों कोई प्लेयर नहीं खेलेगा, अदरवाइज वालाजा का ओवर कट होगा, कई और प्लेयर्स है देख सकते हो यहाँ पे। थाईलैंड से आते हैं दोस्तों, थाईलैंड से बुचथम ओपन, जो लिफ्टी बैटर है चंथम के साथ, कुंजनरोन का ही, फिर चाउआई सुथियारंग। इस मैच में कौन डिफेंशियल है पता है, मैं बता रहा हूँ, वेट ऑन बुचथम तो एक तो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, क्योंकि बॉलिंग करेंगी बैटिंग से ओपन कर रही है, बट इनका ना बैटिंग का मुझे कुछ भरोसा नहीं लगता है। 12 का एवरेज है बैटिंग से सिर्फ, 598 रन 83 मैच के बाद, वार्म अप में 14-22, बट बॉलिंग से फ्लॉप, और इधर भी लास्ट मैच में विकेट लेस, बट सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस प्लेयर वाले प्लेयर में से एक है, 83 मैच में 116 विकेट है इस टीम के लिए, सबसे बेहतरीन। चंदम ये जो प्लेयर है ना इस मैच में डिफेंशियल है, क्योंकि इन्होंने बड़े लेवल में खेला है, इंडिया में भी दोस्तों T20 वगैरह खेल के गया है दोस्तों, अच्छे प्लेयर है, डिफेंशियल ले सकते हो, बहुत बढ़िया फील्डिंग कर लेते हैं और डेफिनेटली ठीक ठाक चॉइस है, डिफेंशियल ले सकते हो। देखो सिलेक्शन बहुत लेस होगा इनका, बट बैटिंग सेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है प्योर बैटर में से। एन कंचनरन का ही नन्नापत दोस्तों विकी में मिलेंगी, विकी में बेटर चॉइस है, दोनों विकेट कीपर मिला के तो ले लूँगा। चौवाई अगर देखते हो ये भी ठीक ठाक रन बना लेती है, 23 का एवरेज इनका है, चंथम का 27 का है, मैं चंथम को ज़्यादा मैटर प्रेफर करता हूँ। सुथियारंग अगर बॉल फर्स्ट हुआ स्लाइटली मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेसर है, पावर प्ले में थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलने से मिल सकता है, बट उतना भी खास नहीं है। बट एक चीज़ कह रहा है, सुथियारंग सीनियर प्लेयर है, ये कभी कभार चार ओवर डालती है, कभी कभार एक से दो ओवर डालती है, तो मैं स्लाइटली प्रेफर करूँगा पहले आप बॉलर्स को ट्राई कर लो, बॉलर्स या फिर स्पिनर्स को ट्राई कर लो, और उसके बाद अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो ओपोनेंट के किसी बॉलर की जगह इनको ले सकते हो वन साइडेड टीम बनाने के लिए। सुथियारंग को पी माया 7 रन बनाया दोस्तों इन्होंने, इग्नोर करेंगे, क्याटो को इग्नोर करो, लाउमी आपके लिए अच्छी चॉइस है, स्पेशली स्ट्रॉन्गर टीम से बिलोंग कर रही है, सीनियर प्लेयर है, लेग ब्रेक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, वो लेग ब्रेक है शायद। पुथियांग ये तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करती है, बहुत अच्छी प्लेयर, और रिसेंट टाइम्स में ना पुथियांग बैटिंग से भी वैल्यू देने लगी है, 112 रन है और ठीक ठाक चॉइस है, मस्ट पिक है, इसको कैप्टन बना सकते हो, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है इन्होंने T20 में, 2 विकेट, देखो 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, अच्छी क्रिकेट खेली है, और वार्म अप में भी विकेट निकाला, 48 मैच में 62 विकेट, ये फ्यूचर है इनका, मस्ट पिक है। कमचंपू 4 ओवर 1 विकेट, और आइटम ऑफ ब्रेक है, कभी कभार डेथ में आ जाती है, 81 मैच में 71 विकेट, स्पेशली बॉल फर्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट, बट यार कितना ओवर डालेंगे ये कैप्टन के ऊपर डिपेंड है, ये जो सुथियारंग है कमचंपू है इनके ऊपर कट होता है, बेसिकली पुथवांग और बुचथम के ओवर्स कंप्लीट होंगे, बाकी सब के कट हो सकते हैं। ये देखो सुनीता चतुरा ग्राताना, इन्होंने 2 ही ओवर डाला बट 1 विकेट निकाल के गया, 19 मैच 12 विकेट, 35 ओवर, इनका ओवर का भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बॉलिंग चनिंदा नताया बुचथम और थिपचा पुथवांग, डेथ में ओनिचा नताया और लाउमी करते हुए दिखेंगे, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, चनिदा 1-3-5, नताया बुचथम दोस्तों 1 ओवर डेथ में आए थे, 3 पावर प्ले में, अच्छी कैपीसी ऑप्शन है। थिपचा पुथवांग 7-9-11-17, ये परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका वोमेंस आया था, कीप इट इन माइंड, अभी जो ओपोनेंट है उगांडा वोमेन बहुत वीक है कम्पेयर टू श्रीलंका वोमेन, ये थिपचा पुथवांग और नताया बुचथम दोस्तों इन्होंने डेथ किया था, ओनिचा कमचंपू जो ऑफ स्पिनर है वो भी दोस्तों डेथ में बॉल कर सकती है, यूज़ कर सकते हो अपने टीम में रोटेट करके, यहाँ पे कई और प्लेयर्स है, रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। हेड टू हेड स्टैट 2018 में, मतलब नहीं बंदा यार, बहुत साल पहले एक मैच जीता था थाईलैंड ने, एक मैच जीता था दोस्तों उगांडा ने। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ज़रूर जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल गाइस। स्पेशली अगर उगांडा वुमेन ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग किया तो दोस्तों ये रहेगा मेरा टीम, जहाँ पे कुंचनरन का ही जरूर रहेंगे, चैंथम बहुत कंडीशन रहेगा, सुथियारंग रहेंगी दोस्तों स्पेशली बॉल फर्स्ट, कौन दोस्तों अगर थाईलैंड वुमेन ने बॉलिंग फर्स्ट और उगांडा ने बैट फर्स्ट, वाइस कैप्टन पुथवांग जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कैप्टन बुचथम पावर प्ले डेथ बैटिंग, एस लाउमी हमारे पास कमचंपू है, नक्की सुई जेनेट एम्बाबाजी सी अवे को आकिटिंग, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो टीम है ना नक्की सुई के अलावा इनके बैटर्स कोई खास है नहीं, जेनेट एम्बाबाजी अच्छे प्लेयर है ऑलराउंडर है इसके लिए मैंने इनको रख लिया, अवे को है अकीटेंग है, फिलहाल के लिए दोस्तों ये रहेगा मेरा टीम। इस मैच का कुछ भी और अपडेट हुआ ना नेक्स्ट मैच के कवरेज वालाजा को स्पेशली बॉल फर्स्ट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी और अपडेट हुआ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है दोस्तों आपको टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, ऐसे मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे।